नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हाटकिया फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हाटकिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेटटॉक्स। मेरे साथ में लुंग रेफी है, रूमेटिक हार्ट डिसीज था और लो हीमोग्लोबिन था। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिसीज है और बॉर्डर लाइन इंडिकेशन को हो कि इंटरवेंशन करें कि नहीं करें, तो टेंडेंसी होती है कि हम इंटरवेंशन कर देते हैं। लेकिन हाँ, हीमोग्लोबिन कराना ना भूलें। इसका हीमोग्लोबिन 10.5 था, हमने आईवी आयरन दिया, फेरिक कार्बोक्सीमेट हमने दिया इसको, और हीमोग्लोबिन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम 10.5 हैज गॉन टू 12.3। और अगर पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन बिल्डअप करने के बाद में सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो कई केसेस में आप सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं। वही हम इसके लिए करेंगे, हर 3 महीने 6 महीने में इसको इवैल्यूएट करेंगे। सो बॉर्डरलाइन इंडिकेशंस के अंदर में सर्जरी में जंप करने से पहले देखिए कोई रिवर्सिबल फैक्टर है क्या, एंड लो हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। सो आज का सवाल, लो हीमोग्लोबिन किसी का हो तो उसको mitral valve सर्जरी कराने के लिए पहले हीमोग्लोबिन पूरा करें कि नहीं करें। धन्यवाद।